समस्तीपुर के लदारा में एक कार्यक्रम हो रहा है। कहा जाता है कि यहाँ जो मस्जिद है उसमें आज इमाम हुसैन के शहादत के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में झारखंड के रांची से मौलाना पटवारे हैं और अपनी बात रखी है। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम की खासियत क्या है। मौलाना हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो वर्तमान हालात है और यह जो शहादत की जो परंपरा इसके नाम पर जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं आखिर इसके पीछे मैसेज क्या देगा। क्या नाम हुआ? मौलाना शेख तजी हसन रिजवी जी। तो आज जो कार्यक्रम हुआ उसकी खासियत बताएंगे। इसकी खासियत यह है कि आज से 1400 बरस पहले जी कर्बला की धरती जो इराक में पवित्र स्थल माना जाता है जिसे कर्बला, वहाँ पर यजीद से और इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नाते और हजरत अली के बेटे थे, यजीद जो मारिया का बेटा था, उसने इस्लाम धर्म को मिटाने के लिए बिल्कुल छानने की वो चाहता था कि अत्याचार बिल्कुल आम हो जाए और बिल्कुल इस्लाम का नाम खत्म कर दिया जाए। इस इस्लाम धर्म को बचाने के लिए नवासे रसूल मोहम्मद साहब के नाते इमाम हुसैन थे और उन्होंने कहा कि हम सच्चाई को कभी भी मिटने नहीं देंगे। वो चाहता था कि सत्य खत्म हो जाए, मिट जाए। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, हमारे रहते हुए सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। और उसी इमाम हुसैन ने उस यजीद से कहा कि अगर तू मुझे खत्म करना चाहता है तो मुझे बस इतना मोहलत दे दे कि मैं भारत चला जाऊं। यानी भारत आने की ख्वाहिश इमाम हुसैन ने। ऐसा क्यों भारत आने की ख्वाहिश? भारत में अमन पसंदी पाई जाती है, भारत में भाईचारगी हम हमेशा हर जमाने में आम नहीं है। यहाँ पे धर्म के नाम पे नहीं, इंसानियत के नाम पे इस मुल्क का नाम हमेशा रहा है। यहाँ तक कि उनके नाना जो मोहम्मद साहब थे वो मदीने में जो दफन है वहाँ वो भी कहते थे कि हिंद से मुझे ठंडी हवा आती है, यानी भारत की हवा को महसूस करते थे यहाँ से ठंडी हवा आती है। नाती ने इमाम हुसैन ने यहाँ पे भारत में आने की आत्मा की है यहाँ मुल्क में। यही वजह है कि जिस तरीके से इमाम हुसैन की याद पूरी दुनिया में मनाई जाती है उससे बिल्कुल अलग परंपरा भारत में है। भारत में इमाम हुसैन की याद मनाने वाला कोई एक जाति एक समुदाय के लोग नहीं है, विशेषकर मुसलमान नहीं है, हर समुदाय के लोग हर जाति के लोग पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं ताकि के लोग जाने कि इमाम हुसैन क्या है। इमाम हुसैन के लिए यहाँ से भारत से एक सेना गई थी, जब उन्होंने सुना कि यजीद में घेर लिया है तो उनकी धर्मपत्नी शहरबानो की एक बहन थी मेहरबानो, जो आप जानते हैं दत्त फैमिली में उनकी शादी हुई थी कश्मीर में, और आप सुनील दत्त हो या जितने वो दत्त लोग हैं उनका भी उस तल्लुक रहा, उनकी सेना वहां गई। तो इसलिए भारत में आजादारी का एक महत्व लगता है। और आपने देखा इमाम हुसैन के लिए गांधी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, जब इसी बिहार से नमक आंदोलन गांधी जी ने किया और अंग्रेजों ने कहा कि गांधी जी तुम तो हमारे मुकाबले में आ रहे हो और छोटी सी तुम्हारे पास सेना है और हमारे पास इतना लॉ लश्कर है, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि मैंने ये सत्य का मार्ग इमाम हुसैन से सीखा। और गांधी जी का आज भी इतिहास में ये मौजूद है, उन्होंने कहा अगर इमाम हुसैन जैसे हमको 72 सिपाही मिल जाते तो भारत की जंग हम चंद मिनटों में हासिल कर लेते। इसलिए एक चीज बताइए कि जब हिंदुस्तान के प्रति इतना लगाव तो आखिर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के बीच ये जो बहस होने की बात आ जा रही है इसको आप कहां देख रहे हैं धर्म के लिहाज से? देखिए सबसे बड़ी बात ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, इमाम हुसैन का एक संदेश है। इमाम हुसैन कहते हैं कि जो इंसान अपने वतन के तई वफादार नहीं हो सकता वो अपने धर्म के तई वफादार नहीं हो सकता। अभी आपने देखा मैंने मैसेज में पढ़ा कि अपनी तकलीफ में कहा इमाम हुसैन ने कहा कि अपने वतन की मोहब्बत ईमान है सच्चाई है, तो हर आदमी को अपने मुल्क के तई वफादार रहना चाहिए, हमको दूसरे मुल्कों से क्या लेना। और मैं अक्सर मैं कहा करता हूँ अपने संदेश में कि पाकिस्तान में यजीद पैदा हो सकता है, हिंदुस्तान में यजीद पैदा नहीं हो सकता। ऐसा तो इसलिए कि यजीद की हुकूमत दुनिया के तीन क्या हिस्सों में थी और जॉर्डन का बॉर्डर जो है वो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र भगवान का शुक्र है पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इसलिए बंटवारा हो गया कि वो जो जड़ है वो जो जॉर्डन का जो बॉर्डर है वो जाकर के पाकिस्तान से लग गया, हमारे भारत से नहीं लगता है। नहीं होता तो आज जो पाकिस्तान हमारे अपने मुल्क में कर रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोग मस्जिदों में मारे जा रहे हैं कब्रिस्तान में मारे जाते हैं बिहार यहाँ होगा पाकिस्तान की जगह पर हिंदुस्तान होता है, बिल्कुल हो जाता है। ये तो ऊपर वाले का करम है कि हम जिस मुल्क में या हम छट गए समय से बिल्कुल छट गए, ये तरह के बादल हमसे छट गए। और हम अपने इस संदेश में तमाम मुस्लिम भाइयों को भी एक बात बताना चाहते हैं कि हम ये ना देखें कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है मुसलमान से हमारा मतलब नहीं होना चाहिए, हमको पहले अपने देश के प्रति वफादार कल भी थे और आज भी हैं।
और ये हो ही नहीं सकता कोई मुसलमान हो ये कहे कि हम अपने भारत के प्रति वफादार नहीं है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि इस मिट्टी से जो प्यार नहीं कर सकता वो अपने माता पिता से प्यार नहीं कर सकता। तो कभी कभी तो बात आ जाती है कि हिंदुस्तान में ही जो मुस्लिम भाई है कभी नहीं कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसा नहीं किसी मुसलमान करता, हर जात के हर समुदाय में बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हिंदुओं में भी सब अच्छे लोग हैं, सब एक सोच रखते हैं, एक विचार रखते हैं, वहां भी अलग अलग विचार रखने वाले हैं, यहाँ भी अलग अलग विचार रखने वाले हैं, मगर जो सत्य वाले हैं, जो सच्चे लोग हैं वो अच्छा विचार रखते हैं, वो लोग भेदभाव नहीं चाहते, आपस में संबंध चाहते हैं। और यही देखने से हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है मुसलमान के प्रति बहुत जहर उगलते हैं, और उसी हिंदू में से उठ के कहता है ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या मैसेज? ऐसे लोगों को मेरा मैसेज यह है कि अगर इंसानियत पाई जाती है तो आप इंसानियत के लिए जिए, समाज को मजबूत कीजिए, अपने मुल्क को मजबूत कीजिए, और मुल्क के प्रति वफादार होकर के मुल्क के मजबूत सिपाही बनिए, ताकि आपके मरने के बाद आपके नाम से याद न किया जाए, मुल्क के वफादार सिपाही के नाम से याद किया जाए। जिस तरीके से इस्लाम के वफादार सिपाही इमाम हुसैन को 1400 साल के बाद भी आज आम दुनिया याद कर रही है, चूंकि अपने धर्म, अपने मजहब और अपने दीन के प्रति इतने वफादार थे, आज उसी वफादारी को याद करके हम रोते भी हैं और उनके फजाइल भी पढ़ते हैं। इसी तरीके से इंसान को अपने मुल्क के प्रति वफादार होना चाहिए। जो लोग मुल्क के नाम पर, सियासत के नाम पर भेदभाव फैला रहे हैं ये अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए कि उन्हें जनता कभी भी माफ नहीं करेगी, चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। प्रेम की भावना जो होती है ये हमेशा इंसान को जीवित रखती है। आपको लगता है कि इमाम के कदमों पर चलना चाहिए, अगर आज इमाम होते तो क्या आज जो परिस्थिति है वो टल सकती? अगर इमाम हुसैन होते तो ये परिस्थिति बिल्कुल टल गई होती, इसलिए तो माथुर लखनी ने कहा था कि भारत में अगर आ जाता है तो हृदय में बसा लेते, ठीक है, भारत में अगर आ जाते तो हम अपने महान देवता समझ लेते, इसलिए कहा उन्होंने, क्या नाम माथुर लखनी ने, बहुत बड़े पंडित शायर थे, उन्होंने ये कहा। और आपने सुना होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फरमाया है कि इमाम हुसैन को धर्म में मत बांटो, इमाम हुसैन इंसानियत के मसीहा था और इन्होंने इंसानियत को जीवित रखा है, धर्म को जीवित नहीं रखा है, ये राजेंद्र प्रसाद का जुमला। जैसा कि आपने बताया कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे इमाम हुसैन ने कहा है, या जो हमारे अग्रेतर लोग हैं उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान से, हिंद से छंदी बया रहा है, निश्चित रूप से हम पुरगुण नहीं है, हम जो है सब हिंसा के पुजारी नहीं है, अहिंसा के पुजारी है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की तरफ से मंत्री इमरान खान भी बयान दे रहे हैं, कभी वहां के पार्टी नेता भी बयान दे रहे हैं, हमको गलत निगाह से देख रहे हैं, तो फिर उनको सीधे शब्दों में एक पाकिस्तानी को और पाकिस्तानी जो प्रतिनिधि है उनको आप क्या मैसेज देंगे? आपको शायद आपने देखा हो कि जिस वक्त उन्होंने हमारे भारत पे हमला किया था तो सबसे पहले पूरी दुनिया के मीडिया में, हिंदुस्तान के मीडिया में हमारा पहला बयान आया था, आपने देखा होगा तमाम मीडिया में, आज भी रिकॉर्ड आपके पास होगा। मैंने कहा था कि अब भारत जो है आजकल की बात नहीं, इसलिए दुश्मन को मजा सिखाना जरूरी है, भारत जब मजबूत है हमारा देश है तो उसे ये आवाज हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, इसलिए वो कब तक हमको भूख की देता रहेगा, तब तक हम डरते रहेंगे, ये वो तो डर और भाव की सियासत करके जो है वो अपने पाकिस्तान में राज कर रहा है। आज अगर भारत जो वाकई कायदे से मजा चखा दे तो उसकी बोलती खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगा। इमरान खान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान के पास तो उसके लोग अपने पास नहीं है, हमारे पास भारत के पास जनता है, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास सेना है, हम अपने वजीर आजम से इससे पहले भी हमने डिमांड किया है, आज भी बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि बिल्कुल इसकी बोली को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को सामना कर देना चाहिए। ये रोज रोज की ये बात कि वो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो ये लगता है कि इस तरीके से बात करके हम दोनों को बहलावा लोग दे रहे हैं, लोग अपनी अपनी राजनीति से रहे हैं, बल्कि हम लोगों की बातों को ऐसे में हर की कमजोरी भी बिल्कुल कमजोरी लग रही है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हम दुश्मन को कब तक दुश्मन की भूल की समझते रहेंगे। अच्छा ये चीज बताइए कि सपोज करिए कि आपके सामने दो देश, एक जो है पाकिस्तान की देशभक्ति दिखा रहे हैं, दूसरे हिंदुस्तान की देशभक्ति दिखा रहे हैं, आप जो की मौलाना है आपको तो पथ का प्रदर्शन करना है, बताना है सही रास्ते क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या बताएंगे? देखिए सबसे पहले तो हम ये समझाएंगे कि आप उस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क में खा रहे हैं, उस मुल्क में रहते हैं, पहली बात उस मुल्क के साथ बताइए, इससे आप लोग आप वो अलग है, इंसानियत के अच्छे लोग जो हमसे आप मोहब्बत कीजिए,
मतलब मुल्क से मोहब्बत रखने की, अच्छे लोगों से जो बुरे लोग हैं उनसे, चाहे वो किसी भी तरह है। हम यही सब जाएंगे कि आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के सच्चे वफादार सिपाही बनके जीवित रहिए, और इस मुल्क पर अगर कोई आज आए तो आप अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए, देश के साथ गद्दारी करते हैं, अगर गद्दारी करते हैं देश का की मुखा। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये आज जो कूटनीति की सियासत पैदा हुई है इसमें सबसे बड़ी भागीदारी कांग्रेस की रही है। कांग्रेस ने भी हमारा नुकसान किया है, ऐसा नहीं कि हमारा नुकसान नहीं किया है, और बीजेपी ने भी हमारा बहुत कोई फायदा नहीं किया। जब हमारे मोदी जी वजीर आजम पहली बार बने थे तो इन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका साथ सबका विकास दिया था। और आज हमारे गृह मंत्री भारत के जो अमित शाह जी हैं, एनआरसी के नाम पर अभी आप देख रहे हैं कि एक भय का वातावरण पूरे देश में फैला हुआ है। तो उन्होंने अभी बंगाल में दो रोज पहले जो एक बयान दिया कि जैनी और बुद्धिस्ट और पंजाबियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और इन्हें कहीं से भी आए कि हम इनको बना भारत में देंगे, यानी उनके बयान से ही लगता है कि अगर मुसलमान है तो हम उसको यहाँ से भगा लेंगे। तो अच्छा आपने तीन का नाम लिया और अल्पसंख्यक समुदाय में जो मान्यता दर मान्यता मुसलमान आपको सलाम नहीं दिया उसके अंदर तो भय वातावरण है। तो लिहाजा मैं अपने गृह मंत्री से कहता हूँ कि इस बात को वजाहत कर दें, चूंकि ये जनता आपकी जनता है, आप गृह मंत्री किसी पार्टी के नहीं है, हमारे भारत सरकार के हैं, हम भी आपके अंग हैं, आप भी हमारे अंग हैं, हमने आपको भी वोट दिया है, आपको हमने चुना है। तो आप ये भय की वातावरण जो पूरे देश में फैला हुआ है, जो मुसलमान एक तरह से अंदर से डरा हुआ है कि हमारे गृह मंत्री ने ये बात की है, इस बात भय के वातावरण को अमित शाह जी को खत्म करना चाहिए। आपको तो ये जोड़ना चाहिए कि आने वाली जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों से लोग दूर होकर के आपकी पार्टी से जुड़ करके आप से हाथ मिला करके वो सरकार चलाने के आपके साथ। हम तमाम सियासी लोगों से एक मैसेज है कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ करके आपसी संबंध भाईचारे की राजनीति करें, ताकि ये उनके लिए भविष्य में बहुत उज्जवल। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ मौलाना रांची से आए हुए जो समस्तीपुर जिला के लदौरा में कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। स्पष्ट लहजे में कहा है कि हमें जाति और मजहब के नाम पर नहीं लड़नी, इंसानियत जिसके अंदर में हो वही सही में इंसान है, उसी के पास ईमान है और वही रियल में जो हिंदुस्तान का वारिस है। और जब देश अपने मुल्क के वतन के लिए जो नहीं है, जो अपने देश के प्रति नाकाफी है, जो गद्दारी करता है, वो किसी का नहीं है, वो इंसानियत का खिलाफ है। निश्चित रूप से हम जिस देश में रहते हैं उस देश की हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमें अधिक रहना पड़ेगा। भारत की जो हालात है, हिंदुस्तान में जो रहने वाले हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, सभी भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं निश्चित रूप से उसमें बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत के विचारों में अपनी दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान को जल्द ही सबक सिखाने की जरूरत है।